कुछ एडवांटेजेस भी रिलेट करती है और कुछ डिस हैं अगर साइज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर वुड भी अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर माने सेम रेटिंग के लिए केक्वल टू टू के लिए ट्रांसफॉर्मर की साइज आधी हो जाती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर केस में मगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्वेंटी है तो वही साइज लगभग नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होती है यानी कि कम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमेशा एडवाइज है हायर रेशियो के लिए नहीं सेविंग ऑफ कॉस्ट इज रेशियो इज लो ऑबली तो इसलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्मॉल साइज में चीपर वैल्यू पर अवेलेबल होते हैं हर साइज वी डोंट प्रिफर टू हैव ऑटो ट्रांसफॉर्मर फायदा इसका है ऑटो ट्रांसफार्मर हैज हायर एफिशिएंसी कंपेयर टू टू वाइनिंग ट्रांसफार्मर जिसका बड़ा रीजन है कॉपर लॉसेस कम होना आल्सो ऑटो ट्रांसफार्मर हैज बेटर रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वाइंडिंग में जो ड्रॉप होना है वो एक ही वाइंडिंग में हो रहा है दो वाइंडिंग की तुलना में लेकिन इसके साथ ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में एक बड़ा डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है वो है कि लीकेज फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत कम होता है इसलिए लीकेज फ्लक्स की वजह से एम्पिडेंस भी कम होगा इसके वजह से फॉल्ट कंडीशन के अंदर हो सकता है सीवियर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर जाए जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर को डैमेज कर पाए इसके अलावा सेकेंडरी वाइंडिंग चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग से इंसुलेटेड नहीं है इलेक्ट्रिकली तो ऑटो ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन में तो हम देखेंगे इन केस ऑफ ब्रेक इन द सेकेंडरी वाइंडिंग पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वुड अपियर अक्रॉस सेकेंडरी टर्नल्स विच मे बी डेंजरस फॉर द ऑपरेटर एंड द इक्विपमेंट बोथ इफ द रेंज ऑफ ट्रेपिंग इज वेरी लार्ज तो भी एडवांटेज जो गेन हुआ है इनिशियल कॉस्ट में वो हमें बहुत ज्यादा नहीं कम्पेरेबल पड़ता है क्योंकि इट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फ्रेम साइज जितनी ज़्यादा टैपिंग होगी उस हिसाब से फ्रेम साइज को भी बढ़ाना पड़ता है तो पूरा कॉस्ट कॉम्पनसेशन हो जाता है और इसलिए हमें कोई सेविंग समझ में नहीं आती है हावर आफ्टर दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टिपिकल एप्लीकेशंस हैं सबसे पहले है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो कि लैब्स में भी यूज होता है वेरिएबल वोल्टेज जिस भी एप्लीकेशन में देना होता है वहां उपयोग होता है इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज होता है और ऑडियो सिस्टम और रेलवे भी ऑटो का काफी यूज इट कॉम्पनसेट वोल्टेज ड्रॉप बाय बूस्टिंग सप्लाई वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो पावर सिस्टम के अंदर भी कॉम्पनसेशन के लिए वोल्टेज के इट इज यूज इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर विथ नंबर ऑफ टेपिंग अवेलेबल कैन बी यूज एज ए स्टार्टअर फॉर इंडक्शन इन सिंक्रोनस मोटर्स और इसके सबसे ज्यादा कॉमन यूज जो है वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज एज वेरी एकबोरेटरी जहां कंटिन्यूस वेरिएबल वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है लैब परपज में प्रैक्टिकल परपज में और इसलिए इट इस इज वेरी हैंडी टू तो बी यूज इन द लैब